सचिन पायलट को नई पार्टी बनाने की सलाह देने वाले हनुमान बेनीवाल इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चाएं तब और ज्यादा होने लगी जब वो दिल्ली पहुंचे और पहलवानों के धरने का समर्थन किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल का प्लान क्या है? क्या वो राजस्थान के बाहर भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने का प्रयास कर रहे हैं? आपको जानकारी दे दें कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 26 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने रेसलर्स का सपोर्ट किया और केंद्र सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द पहलवानों की मांग के अनुरूप कार्रवाई हो। दरअसल सांसद बेनीवाल काफी समय से रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सवाल किया था कि पहलवानों की मांग पर सरकार सख्त निर्णय क्यों नहीं ले रही है। पहलवानों ने भी हनुमान बेनीवाल के समर्थन का स्वागत किया है। जानकारी के लिए बता दें कि जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई रेसलर्स शामिल हैं। पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब इस याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है, लेकिन इसमें बेनीवाल की एंट्री को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को साधना चालू कर दिया है। बेनीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से बढ़ती नजदीकियां इसका सबूत है, और इसके अलावा जातिगत और राजनीतिक फैक्टर का सहारा लेकर वो पायलट को भी साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब से पायलट ने अनशन किया तब से लगातार बेनीवाल पायलट को कई सलाह दे चुके हैं। पायलट को खुद की नई पार्टी बनाने से लेकर RLP में शामिल होने के लिए खुला न्योता बेनीवाल दे चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि अगर सचिन पायलट आगे बढ़ते हैं तो हम मिलकर बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ सकते हैं। बेनीवाल की बातों से साफ लग रहा है कि अगर तीसरा मोर्चा बना तो पायलट ही CM फेस होंगे। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।